दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप प्लास्टिक के आधार कार्ड या स्मार्ट कार्ड को पसंद करते हैं या फिर बनवाने की सोच रहे हैं तो ठहर जाएं। आधार कार्ड जारी करने वाली अथॉरिटी UIDAI ने प्लास्टिक के आधार कार्ड के नुकसान बताए हैं। अथॉरिटी ने कहा है कि प्लास्टिक आधार कार्ड या स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। ऐसे कार्ड से आपकी आधार डिटेल की प्राइवेसी पर खतरा रहता है। दोस्तों, प्लास्टिक का आधार कार्ड कई बार काम नहीं करता है। इस वजह से प्लास्टिक आधार कार्ड की अनऑथराइज प्रिंटिंग के चलते QR कोड डिसफंक्शनल हो जाता है और साथ ही आधार में मौजूद आपकी पर्सनल डिटेल बिना किसी अनुमति के शेयर होने का खतरा रहता है। दोस्तों, ओरिजिनल आधार कार्ड के अलावा साधारण पेपर पर डाउनलोड किया हुआ आधार और M आधार पूरी तरह से वैलिड है, इसलिए आपको स्मार्ट आधार के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि आपको कलर्ड प्रिंटिंग की भी जरूरत नहीं है और साथ ही आपको अलग से आधार कार्ड के लेमिनेशन या प्लास्टिक आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो आप इसे मुफ्त में आधार कार्ड की वेबसाइट eadhar.uidi.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक और PVC शीट पर आधार की प्रिंटिंग के नाम पर लोगों से ₹50 से लेकर ₹300 तक वसूले जा रहे हैं। UIDAI अथॉरिटी ने लोगों से इस तरह की दुकानों या लोगों से बचने की और उनके झांसे में ना आने की सलाह दी है। दोस्तों, अथॉरिटी ने लोगों को सलाह दी है कि आधार नंबर को या पर्सनल डिटेल को किसी भी अनऑथराइज एजेंट के साथ शेयर ना करें। साथ ही उन्होंने एजेंसियों को भी चेतावनी दी है कि वह लोगों की आधार डिटेल को इकट्ठा ना करें और ना ही आधार की अनऑथराइज प्रिंटिंग करें। ऐसा करना कानूनी अपराध है और इसके लिए इंडियन पेनल कोड एंड आधार एक्ट 2016 के तहत सजा के साथ जेल तक का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।